जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 का एक नया अपडेट आ चुका है। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है और आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना जरूरी है। और क्या क्या होने वाला है ये पूरा इस वीडियो के अंदर बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वाले हैं, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होगा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। डिफेंस एजुकेशन आप सभी के लिए दोस्तों हर बार नई नई अपडेट आपके लिए लेके जाते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप बीएसएफ एचसी के अंदर दोस्तों एक तो आपका है स्टोनोग्राफर का, क्या है स्टोनोग्राफर का है, और एक आप है एलडीसी का है। ये दो पोस्टों के ऊपर जो वैकेंसी है उनके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी पता चल जाएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या अपडेट चाहिए। और अगर आप एक डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए ना तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ये हमारी पूरी की पूरी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप मेरे को ये मत बोलिए सर आपने बताया नहीं है। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए 9461041363 है, ये हमारे पर्सनल नंबर है। इस पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, क्या कर लीजिए व्हाट्सएप कर लीजिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे कि भैया ये डॉक्यूमेंट, अगर आपको जो जानकारी आपको नहीं मिल रही है या फिर कुछ अपडेट आपको मिल रहा है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए और हमारी टीम आपको सारा जानकार आपको अपडेट देने वाले हैं। ये चीज़ आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें क्योंकि मैं हर बार हर स्टूडेंट को जो है कुछ अपडेट आपको देता रहता हूँ और बिल्कुल सही और सटीक मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आपका जो आपका एडमिट कार्ड क्या है दोस्तों, एडमिट कार्ड जो आपने जारी कर लिया होगा या आपने निकाल लिया होगा। एडमिट कार्ड नंबर दो, एडमिट कार्ड के बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो लाइसेंस, लाइसेंस ये आपका आईडी प्रूफ के तौर पर आपको चाहिए। बिल्कुल आपकी जो आईडी प्रूफ है उस आईडी प्रूफ के तौर पर आपको लेके जाना है क्योंकि आप वहाँ से पता चलेगा कि मेरा ये है आधार कार्ड प्लस ये दोनों चेक होंगे। उसके बाद आपके लिए कम से कम दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन है 6 फोटो, कितने 6, कम से कम फोटो लेके जाना है 6। आप अधिक कितने लिख कर लेकिन कम से कम फोटो आपको 6 साथ में। आप बोलेंगे सर फोटो से क्या करेंगे, ध्यान रखना साथ में फोटो आपको लेके जाना है वरना डिसमिस का मामला हो सकता है, चाहिए या नहीं चाहिए वो बाद का मामला, लेकिन फोटो आपको लेके जाना जरूरी है। उसके बाद 4 नंबर, अब आपके जो डॉक्यूमेंट पर्सनल डॉक्यूमेंट, देखिए सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, क्या है 10वीं पास, क्या हो गया आपका 10वीं पास मार्कशीट हो गया, यस। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट आपको क्योंकि जो है 10+2 12वीं के पास आपने फॉर्म भरा है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें तो आपको ध्यान रखनी है, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ तो 12वीं की मार्कशीट ये आपको लेके जाना है, क्लियर। अब जो तीसरा जो जो पांचवा जो प्रमुख पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों ओबीसी जनरल SC ST। दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों को तो कुछ नहीं करना है, EWS ये 1 2 3 4, इन चारों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र ये लेके जाना जरूरी है। भैया अगर आप ये भी सेंटर का, कौन सा सेंटर का, सेंटर का होना जरूरी है सेंटर, अगर आप राज्य का ये कोई भी अगर राज्य का लेकर जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। अगर बाहर नहीं करेंगे तो आपको किस कैटेगरी में डाल देंगे, जनरल की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। 100% बोल रहा हूँ दोस्तों, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो भी मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ, आप पूरा देखेंगे तो भी यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसके पास में जैसे मान लीजिए ओबीसी, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट बाहर किस में निकलते हैं ओबीसी वाले
और SC वाले और ST वाले, क्योंकि इसमें जो जो इसमें राज्य सरकार का भी जो OBC सर्टिफिकेट होता है और सेंटर का भी होगा, सेंटर का भी होगा। अब बच्चे राज्य वाले लेके जाते हैं, लेकिन राज्य वाले नहीं लेके सेंटर वाला लेके जाना है। ये भी 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, अधिक पुराना नहीं, ये नहीं देख लीजिए आप 12 यानी अगस्त में बना हुआ, कब अगस्त के अंदर बना हुआ होना चाहिए। अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 5 महीने हो गए। यस, जिसका सेंटर ओबीसी, दोस्तों जिसका सेंटर ओबीसी अगस्त महीने में बना है, या फिर SC ST का जाति का भी ये भी अगस्त महीने के अंदर बना है, तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से वहां से, आपको ध्यान में रखना है ये चीजें तो आपके लेके जानी है, नहीं तो आप बाहर आउट हो जाओगे। कहने की जरूरत नहीं, वहां पर सीधा आपको फॉर्म भरा दे देगा, फॉर्म भरने के बाद आप सीधा बाहर के बाहर आ जाओ, भैया क्या जो बाहर आ जाओ, ये सीधा बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर, ये तो हो गया। अब आपका फिजिकल क्या है, फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल में आपकी जाते ही आपकी ऊंचाई नापी जाएगी, ऊंचाई लंबाई, आपकी लंबाई, यस, जाते ही इस प्रकार से एक लगा रहता है, वहाँ से स्केल है, उसके अंदर से आपको निकलना है। टच हो गया तो अंदर जाओगे, और अगर टच नहीं हुआ तो आप बाहर आ जाओगे। सबसे पहले आपकी हाइट होनी जरूरी है, क्या होनी चाहिए, हाइट। दौड़ नहीं होगी, दौड़ है ना, दौड़ तो होगी नहीं आपकी, ध्यान, इस हेड कॉन्स्टेबल के अंदर दौड़ नहीं होगी भाई, दौड़ आपकी होगी नहीं, क्या है, दौड़ना तो आपका है ही नहीं है, आप बोलेंगे दौड़ना तो है ही नहीं आपको, बस। क्लियर, ये तो होगी आपकी हाइट। अब हाइट के अंदर 168, 172, ये दो ही हाइट चलती है। अब कोई भी ले लो वैकेंसी, कोई भी आप ले लो, SSC की ले लो, GD की ले लो, आपकी हाइट ही चलने वाली है। क्लियर, और देखिए जिसका 165 है, अब 165 वाले वो भी क्वालिफाई है क्या, 165 वाले भी क्वालिफाई है, अब 165 वाले कैसे। और अगर आप महिला कैटेगरी है, क्या महिला कैटेगरी, तो महिला कैटेगरी 162 और 150 महिला कैटेगरी के लिए। यस, देखिए वापस देखिए, ध्यान रखना, फिजिकल, जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST। जनरल कैटेगरी वाले हाइट की बात करें तो ध्यान रखें, वेरी कोई इतना हार्ड है नहीं है। और देखिए इसमें 162, इसमें देखिए जो पहाड़ी इलाका है, क्या है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाके में ये होनी चाहिए। यस, और बाकी पुरुषों हैं 165 से लेकर 168 के बीच, पुरुषों की बात करें। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो SC ST कैंडिडेट के लिए भी 165 से लेकर 168, कम से कम 165 होनी चाहिए, और अधिक आपकी कितनी भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पहाड़ी इलाका है तो आपको 162 होनी चाहिए। वही महिला की मैं बात करूं तो दोस्तों, महिला की बात करूं तो महिला 155 आपकी हाइट होनी चाहिए, हाइट बिल्कुल। और अगर पहाड़ी इलाकों की है, पहाड़ी इलाकों की है, पहाड़ों के अंदर अगर आप रहते हैं, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड है, तो 155 जी महिलाओं को छूट दी जाती है। उसके बाद आपकी होता है सीना, सीना, छाती, पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं, केवल पुरुष है, पुरुषों के लिए ये अनिवार्य है, पुरुष, यस, पुरुषों के लिए क्या है, ये अनिवार्य है। चेस्ट, चेस्ट पुरुष 77 से लेकर 82 आराम से, कम, देखियो 5 फुलाव जरूरी है, फूलना 5 जरूरी, कम से कम 5 आपको फुलाना जरूरी है, जनरल हो, SC हो, ST हो, सब है। अगर आप SC कैटेगरी है ना, ST सॉरी ST कैटेगरी है ना, उसके लिए 76 से लेकर 81 है, ST के लिए, ओनली फॉर ST के लिए। अगर आप जनरल ले लो, OBC ले लो, SC ले लो, EWS ले लो, सभी का 77 से लेकर 82 है, 82, यस,
ये चीजें आपको ध्यान में रखनी भैया। चलिए सर, देखिए ये हो गया, तो उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इस प्रकार से। अगर आप सभी पास कर लेते हैं, पास कर लेते हैं तो आप फिट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप फिट हो जाओगे, आप फिजिकल फिट हो जाओगे, पास हो जाओगे। आपके पास एक लेटर कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका क्या होगा? एग्जाम। क्या होगा? एग्जाम। एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपको देते हैं पेपर। क्या देते हैं? पेपर। उस पेपर के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।